आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। I'm really sorry. मुझे भूख नहीं है और अकेला रहना चाहता हूँ। तेरे चाहने से क्या होता? हमने डिसाइड किया था ना, वन फॉर ऑल फॉर वन। तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, ओके? खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत। लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे। तो तुम दोनों यूं ही बैठे रहोगे? एक्चुअली वो मुझे काफी मेल्स चेक कर, मुझे भी फ्रेंड्स बुक पे कुछ लड़कियों की प्रोफाइल देखनी थी। कैसे डोंट वांट टू टॉक? बात करूं भी तो किस बारे में बात करूं? ईशाना के बारे में? ये शायद तेरे लिए और रुद्र के लिए एक छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शिवाय। मुझे लोगों पे भरोसा करना दोबारा सीखना पड़ेगा। क्या हुआ अनिका दीदी? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुंदरी बुआ बिल्कुल भी नहीं बदली है, और यूं ही रोज रोज तुझे अकेले छोड़ना मुझे। दीदी मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, और वो बंदरी बुआ की तो बिल्कुल चिंता मत करो, वो आपसे दोबारा टक्कर लेने की जरूरत नहीं करेगी। ये गीली गीली किस्तियां मत किया करो। और आज बताओ कि काम पे क्या हुआ? आज तो उसने स्माइल किया साहिल। काम स्माइल कर रहा था? पागल है क्या? काम स्माइल करता है क्या? अरे शिवाय से ओबरॉय ने। दीदी अच्छा जो भी सवाल पूछो उसका आंसर SSOE क्यों होता है? वैसे एक बात बताओ दीदी, बागर बल्ला स्माइल करते हुए अच्छा लगता है? ना बोलने में इतना टाइम? जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा जवाब ना ही होगा। मतलब अच्छा लगता है। चुप कर तू। उससे क्यूट स्माइल तो मेरी चप्पल चांदनी की है। जब मैंने उससे पहली बार बात की ना, तो मुझे उसका दर्द, उसकी परेशानी, ये सब इतना जेन्युइन लगा। I really felt her pain. मैं फेक करेंसी के बारे में सुना, लेकिन लोगों के जज्बात भी फेक हो सकते हैं। ये आज मैंने सीखा। जो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। वो लड़की मुझे सिखा गई कि सच्चाई, शराफत और ऑनेस्टी वो रंग है जो पहली बारिश में उतर जाता है। God, why am I even talking about her? जो बात ही नहीं करनी उसके बारे में। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, सच बोलते थे। उसने तो मेरे और रिधिमा का ब्रेकअप करवाने की कोशिश की। दो बार हमारे घर है, मुझे समझ ही नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मेरे तुम दोनों को लग रहा है कि मैं इस बात से थोड़ा ज्यादा हर्ट हो रहा हूं। बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू। मेरा तो पूरा बिलीफ सिस्टम हिल गया। अगली बार किसी को हेल्प करने से पहले ना मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। उसने जो क्या गलत किया। दीदी आप उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जाने दो ना बेचारे को, जीने दो। तू उसकी साइड ले रहा है? अब किसी को तो बॉयज की साइड लेनी ही पड़ेगी ना।
लोग गर्ल्स की साइड लेते हैं। मतलब सब सोचते हैं कि पहले बॉयज ही लड़ाई शुरू करते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। अच्छा, आप दोनों की जितनी लड़ाइयां हुई है वो किसने शुरू की? Tell you. ना। बताती हूँ, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि सारी लड़ाइयाँ ऐसे सो में ही शुरू की हैं। लेकिन अब जब मैं अपना वीडियो कैसेट रिवाइंड करके देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलतियाँ मेरी थी। ओ अच्छा, आज तक ऐसे सो को जितना बुरा भला कहा, जितना कोसा, वो सब यूं ही फ्री फंड में। दीदी, गलती आपकी थी और बिल आपने उसके नाम पे फाड़ दिया। तू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रहा है? कर ये जो तू कर रहा है, मुझे इस बारे में बात नहीं कर रही। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पर सच और झूठ नदी के दो किनारे हैं और हम दोनों दो बेचारे हैं। नहीं, वो तू कुछ कह रहा था? कुछ नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ, किसी टॉपिक पर भी बात करेगा लेकिन निशाना के बारे में बात नहीं करेगा। एग्जैक्टली, जो हुआ मैं उसे अपने तरीके से कोप कर लूंगा। ना मेरा बात करने का मन है, ना पीने का, ना खाने का। ये किसने खाया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो No, Ma. I'm actually happy. तूने, I mean, बात करने की कोशिश तो की। अरे कड़ी चावल मैंने खाए। हाँ, ये कड़ी चावल आपने ही खाए। और पिछले एक घंटे से ईशाना के बारे में बात कर रहे हो और दो घंटे से बोल रहे हो कि कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। सुनो, कल तक अपनी हालत ठीक कर लेना, वरना भूल जाना आपका एक छोटा भाई था जिसके दो कान थे। ओके मिस्टर डंबलडोर, अब चलें, ओम को थोड़ा आराम करें। चलो शिवाय। थैंक्स। ओ, मेरे दो कान अभी तक सही सलामत हैं। अगर आप मुझे भी थैंक्स बोल दोगे तो। थैंक यू रुद्र। मैं जानता हूं तू कितना सेंसिटिव है। आज तो काफी हर्ट हुआ। एक एडवाइस दे सकता हूँ, तुम किसी के खिलाफ दिल में कुछ रखने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा जजमेंट को सिर्फ क्लाउड करता है, इसलिए यू शुड जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर सिस्टम। जाने जाने। ये शिवाय सिंह उम्र की एडवाइस है जो कभी किसी को माफ नहीं करता, जो काम कम करते हैं और फोन ज्यादा तोड़ते हैं, जो अपने माथे पे परमानेंट फ्राउन लेकर घूमता है। मैं इरिटेट जल्दी हूं लेकिन मैं गुस्से को ना अपने अंदर नहीं रहने देता। ओके, जिसे भी गुस्सा होता हूँ, नाराज होता हूँ, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। एंड आई मूव ऑन। इंपॉर्टेंट थिंग इज आई मूव ऑन। तो अनिका को बाहर निकाल के व्हाई डोंट यू मूव ऑन? अनिका की बात अलग है। क्यों? क्योंकि अनिका के साथ जो होता है वो दूसरों के साथ नहीं होता है। एग्जैक्टली, जो अनिका के साथ होता है ना वो किसी और के साथ नहीं होता। ये बात तुझे समझनी है। मिस्टर शिवाय सिंह ओबेरॉय, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या आप अपनी फीलिंग्स को कभी समझने की कोशिश की? कहीं ये गुस्सा और अपोजिट फीलिंग्स को छुपाने के लिए तो नहीं? क्या आप मूव ऑन कर नहीं रहे या मूव ऑन करना नहीं चाहते? कहीं अनिका दीदी ने आपके अंदर की वो फीलिंग्स तो नहीं जगा दी जिसे बहुत टाइम से आप छुपा रहे थे? लिसन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हो मेरे बिना? और भैया,
हम सब कुछ सही बना रहे हैं क्योंकि स्मोक अलार्म सिर्फ दो ही बार बजा है। सीरियस? और भैया आज घर में सिर्फ यंगस्टर्स हैं और आप क्यों? मैं यंग नहीं हूं। कम ऑन भैया, आप जस्टिन बीबर को हेट करते हो, आप वरुण धवन को डेविड धवन का बेटा बोलते हो, आप आलिया भट्ट को पूजा भट्ट की छोटी सिस्टर बोलते हो। भैया बहन है, अरे आपको आरओटी बिल का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। व्हाट्स दैट? वो बाद में बताऊंगा। आप यंग नहीं रहे भैया। कम ऑन गर्ल। हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके, देयर वी गो। अनिका भी आ गई, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। कौन वेट कर रहा? हम सब। तू तो कह रहा था कि हम सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं कह रहा था भैया बोल के भूल जाते। कोई नहीं भैया, मैंने आपको कहा था ना, आप यंग नहीं रहे। भैया आप रहने दीजिए, आप लोग पूल साइड पे जाके बैठिए, हम सब कुछ तैयार करके वहां पे लेके आ जाए। पूल साइड पर मैं भैया घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूल में नहीं फेंकेंगे, मैंने सेटिंग कर ली है उनके साथ। गो। ये बड़े लोग भी ना बड़े अजीब ही होते हैं। इतना पैसा है कि एक एक आदमी दो दो डबल बेड खरीद के उनपे नाश्ता कर सकता है। कुर्सियां कुर्सियां तक नहीं लगाई हैं। ये बाकी के लोग अब तक क्यों नहीं आए? मैं भी यही सोच रही हूँ कि सब कहाँ रह गए हैं। आपका घर है, कम से कम आप तो बैठ जाइए। तुम भी बैठ जाओ। वैसे कितना अजीब है ना, जब लड़ाई नहीं करनी होती तो कैसे एसएसएस चालू हो जाता है। क्या सन्नाटा साउंड सर्विस? मतलब समझ नहीं आता ना कि क्या बोले है ना। वो आज मैंने आज का पेपर भी पूरा नहीं पढ़ा। तो क्या हुआ, कल तो पढ़ा था ना। रोज तो सेम ही न्यूज़ होती है, बस पलटी, 12 यात्री जख्मी, दुल्हन ने मारा वो दहेज लोभी दूल्हे को झापड़, मैच पे चली कोहली की गोली। ऑल सेड एंड डन गाइस, ये आईडिया तो बहुत क्यूट है। आईडिया तो क्यूट है और ये मशरूम टोस्ट तो बहुत यम्मी लग रहा है। इट हैज टू बी शिवाय की रेसिपी है। अपनी मर्जी पे चलती है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे। क्राई बेबी, मेरी लाइफ भी मेरी मर्जी पे चलती है सुमो। अरे यहाँ कौन सा न्यूज़पेपर आता? दैनिक होशियार। आप क्या नहीं आता? आप इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं? बिजनेस न्यूज़पेपर।
आप भी दैनिक होशियार लगवा लीजिए। Go for it. आपका जगह है, आपका घर है, आपका पानी है, आप ले लीजिए। No, no, किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, वरना पानी गिर। दोबारा पानी मत फेंकना मुझ पे। ये बात मुझे आपसे कहनी चाहिए। लोग कहाँ थे? कितनी देर लगा दी? हाँ, सच में बहुत देर लगा दी। देर? तुम लोग को बाहर आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए। क्या बस 5 मिनट? मेरे को लग रहा है कि हम कब से बैठे हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है जब दो डाकू लोग, ओए, डाकू नहीं लड़ाकू। हाँ दा, हाँ लड़ाकू। जब दो लड़ाकू लोग बहुत देर तक लड़ाई नहीं करते ना, तो समय धीरे धीरे ही कटता है। एनीवेज, तुम लोग कैरी ऑन करो, हम आते हैं। Hey, what's going on, guys? तुम Come on, just stay. See, actually, क्या है ना, हम सब तुम दोनों की लड़ाई से ना पक चुके हैं, राइट? बहुत ज़्यादा। तो तुम दोनों बैठो, एक अच्छी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, ब्रेक द आइस, हम आते हैं। ये सच में क्रेजी है, आइस तो छोड़ के गई नहीं है, हम तोड़ेंगे कैसे? आइस ब्रेक करना मतलब आइस तोड़ना नहीं होता, इट्स अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश। उसका मतलब होता है कि हमारे बीच जो भी इश्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें सॉर्ट करना। तो सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते हो आप लोग सब? ऐसे कहावतों में क्यों बातें करते हो? ब्रेक द आइस। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तो आई थिंक वी मस्ट ईट अ लिटिल बिट। जब वो इतना ट्राई मार रहे हैं तो हमें भी ट्राई मार लेना चाहिए ना? मतलब You might want to use an app. अब तो सब नॉर्मल हो गया है, हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, तो हम शादी के बारे में बात करें। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।